मध्य प्रदेश की सियासत में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की जुबान फिसलना अब आम हो गया है। कभी मुख्यमंत्री का नाम भूल जाते हैं तो कभी कभी यही भूल जाते हैं कि अब किस पार्टी का हिस्सा है। मजेदार बात यह है कि जुबान फिसलने के ये किस्से उन्हीं सिंधिया समर्थकों के साथ ज्यादा हो रहे हैं जिन्हें खुद सिंधिया ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। गोविंद सिंह राजपूत भी ऐसे ही नेताओं में से एक है जो सिंधिया के बुलावे पर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में तो आ गए पर अपनी आस्था पुरानी पार्टी में ही छोड़ आए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नई पार्टी का गमछा गले में डाल लिया है लेकिन विचारधारा पुरानी पार्टी वाली ही है। ना हो यकीन तो आप ही सुन लीजिए, जब मंत्री जी से सवाल हुआ कि बीजेपी के श्रीराम पर वो क्या कहेंगे तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। भाजपा को नकली राम नाम का भगवा झंडे का धारण करना पड़ रहा है लेकिन जनता जानती है कि मुंह में राम बगल में छुरी। अब कोई जरा मंत्री जी को ये याद दिलाए कि जिस पार्टी को यूं भर भर कर कोस रहे हैं वो पार्टी कोई और नहीं है, अब उनकी खुद की ही पार्टी है। ठीक है, बरसों की आदत इतनी जल्दी नहीं बदल सकती। शायद कांग्रेसी मन बाय डिफॉल्ट जो बयान देता था वैसा ही बयान अब दिमाग की हार्ड डिस्क से वैसे ही बाहर आ जाता है। पर मंत्री जी, अब बहुत जरूरी हो गया है कि आप मेमोरी में फीड पुराना डेटा डिलीट करें और नया फीड कर लें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सिंधिया जी चाहकर भी आपकी रक्षा न कर सकें।